हाय गाइस, वेलकम टू द इंडियन गेमर चैनल। हम खेल रहे हैं स्पिन टायर्स और हमारे सामने है विराट समुद्र। सुबह होने वाली है, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा मुझे आगे का अंदेशा है नहीं कि आगे क्या होने वाला है। तो मैं काम करता हूँ, कितना डीजल चाहिए पीछे वाले में ख़त्म हो चुका है, तो मैं काम करता हूँ जब यहाँ पर 255 खड़ा हुआ है तो मैं उसको लेना आऊँ, अपना काम भी हो जाएगा। कौन सा वाला है, कौन सी वाला 255 को स्टार्ट किया मैंने? हाँ, ये वाला नहीं चाहिए। ना 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 ना, गलत स्टार्ट हो गया भाई, ये वाला नहीं चाहिए। मुझे चाहिए लंबा वाला, उसी में तो है। इस पर पहले चेक तो कर लूँ, ऑयल है, 400 लीटर ऑयल है। अरे है, ठीक है, बढ़िया। और डैमेज किसी में है नहीं खास। मैं ये भूल गया, मेरे ट्रक कहाँ पर हैं, किधर जाना है मुझे? ठीक है, ये खड़े हुए मेरे ट्रक, ठीक है, इस रास्ते पर जाना है। वंडरफुल। दोनों ऑल व्हील डिफ्लॉक ऑन कर लूँ। ये सही खड़े हुए थे यार, ये बिल्कुल सही जगह पे मिले आए हैं। सुबह हो रही है, हाईवे वाले टायर्स लगे हुए हैं दोनों 255 में। मैं लगाता हूँ, दोनों में तेल डलवा लूँ। लेकिन 400 लीटर है, कितना तेल डल जाएगा? 400 लीटर है, पहले मैं पीछे वाले का पेट भरता हूँ और फिर आगे वाले को देखता हूँ, ये ज़्यादा बेटर है। ठीक है, कहाँ गए दोनों? मैं सही जा रहा हूँ? हाँ, ठीक है, मेरे राइट में है ना। हाँ ठीक है, रोड के इधर लूँ। अच्छा, ठीक। अरे वो खड़े तो हुए हैं, अरे पलट के ही देख लेता मैं तो, दिख जाते। चलिए, ऐसा है ना, यहाँ पे जब ऑप्शन है तो करवा लो, आगे क्या हो पता नहीं। क्यों फिर दिक्कत होती है, फिर हाथ पैर फूलते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं हम। जब अभी ऑप्शन है तो मैं करवा क्यों नहीं लेता, और फिर यहाँ से प्यार से ही निकल जाएंगे अपन लोग। पहले मैं पीछे वाले में ही डला लूँ। सरकना बंद कर भाई, अभी तो सरकते जा रहा है यार, अभी तो रुक ही नहीं रहा। जल्दी, वो फ्यूल अप कर दिया मैंने यार, वो तो पूरा पी गया। आगे वाले के लिए तो तेल ही नहीं छोड़ा इसने। तो एक काम करता हूँ मैं, कुछ और है तुम्हारे पास तो वो दे दो उसे बेचारे आगे वाले को, उसकी रिपेयर ही सही कर दो, जो कि 54 हुई है, ऐसी कोई ज़रूरत खास थी नहीं। ठीक है। ओह गाइस, मुझे एक आइडिया आया है, मैं बताऊँ, मुझे ये शक है ना कि ये पानी में से गुजरेंगे नहीं गुजरेंगे। मैं काम करता हूँ, पहले मैं इस 255 को निकाल के देख ही ले रहा हूँ। क्यों, क्या कहते हो, सही सोच रहा हूँ नहीं सोच रहा हूँ? ये निकल गया तो डी तो निकल ही जाएंगे, देख के चलाऊंगा मैं बिल्कुल। ठीक है, यही करते हैं। लेकिन कोहरा हो रहा है ना गाइस, मैं दूसरा रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा, दूसरी साइड क्या है। और ये हाईवे वाले पहियों के साथ क्या होगा मुझे पता नहीं। ये जहाँ पानी का सफ़ेद सफ़ेद हो रहा है ना, मैं इसी में चलने की कोशिश करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? मुझे 255 के साथ जाना चाहिए नहीं, मेरे ख्याल से ये चल लेगा, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये देख रहे हो आप ज़मीन का पैच, ये देखिए आप, छोटा सा पानी के ऊपर आ रहा है, और उधर की साइड मुझे रोड भी दिखाई दे रही है। यस। मैं इसे डुबा तो नहीं दूंगा यार, मुझे बहुत डर लग रहा है। और आप ये देखो, मैं लंबे वाले ट्रेलर के साथ आया हूँ, और आपको जानते हो ये कहानी पहले भी हो चुकी है, ये ट्रेलर बहने लगता है। या तो मुझे इसे छोड़ के आना था। निकल गए, कोई दिक्कत नहीं, मैं फालतू में डर रहा था। ठीक है, निकल गए। बोरी जीप, बहुत सही, निकल गए। अरे ये निकल आया, ये सही कामयाब हो गया, यानी कि ये पैच एकदम सही है, निकल सकते हो आप यहाँ से। ठीक है, सही कन्फर्म कर लिया यार, डी के साथ खेल होता मैंने इसी से कन्फर्म कर लिया। बहुत बढ़िया। अब मैं ज़रा इन दोनों व्हीकल्स को रास्ते में से हटा दूँ तो ज़्यादा बेटर है। जीप को भी ज़रा साइड में ही कर दिया जाए, क्योंकि जब डी गुजरे हैं तो रास्ता एकदम साफ हो वो ज़्यादा बेटर है। ये मैंने लगाया इन दोनों को किनारे पे,
जीप भी हट गई रास्ते में से, हट गई। चलिए जी अब शुरू करते हैं हम अपना डी से खेल। ना पीछे वाले से कोई मतलब नहीं है, आगे वाला चाहिए मुझे, इसमें आधा रह गया है। चलिए पीछे वाला तो पूरा फिल हो गया ना, ठीक है बस यही चाहिए था। चल भाई शुरू करें आज का गेम, और सब सही रहा तो तेल वेल सब में पड़ चुका है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, और मैं देख के ही चलाऊंगा। जैसे मैं ले गया हूँ ना सफ़ेद सफ़ेद पानी जहाँ पे है उसी में से मैं लेकर चलूंगा। ये तो डेंजरस वाटर लेवल दिखा गया मुझे, ये बड़ी जमीन उबड़ खाबड़ है, समुद्र के नीचे जरूर है लेकिन बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है ये, आप देख रहे हो पूरा चटक पटक के चल रहा है, लेकिन चल तो रहा है कम से कम, और पहिए भी पानी के ऊपर हैं, ये तो काफी बढ़िया। और मैं टारगेट कर रहा हूँ उस जगह को जहां से हमें चढ़ना है, मैं कहीं और नहीं जा रहा, उसी जगह पे चढ़ूं निशाना लेके, चल तो रहे हैं हम। मैप में कहाँ आ गए, अरे बिल्कुल बीचों बीच हैं। ओहो हो, चलिए गाइस मजा लें जरा समुद्र का, दोनों ट्रक अपने बीच समुद्र में खड़े हुए हैं, हाय 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 हाय, मजा आ गया यार। ये मैप बड़ा प्यारा लगा मेरे को यार, ये आइडिया बहुत अच्छा लगा मुझे, बीच समुद्र में से थोड़ी सी जगह है जहाँ से आप गुजर सकते हो, बहुत सही बहुत सही, मजा आ गया यार, मजा आ गया, सही है यार सही है। देखिए आप अपने दोनों ट्रक नीचे समुद्र बह रहा, अपने दोनों ट्रकों के बेहतरीन, मजा आ गया यार। चलो चल भाई, काला धुआं निकाल और अपने इंजन की ताकत दिखा, रोड सामने है, लेकिन अभी मुझे डर ये है ना कि इधर उधर जरा सा भी हो गए ना तो गड़बड़ हो सकती है, इन्हें तो कोई निकाल भी नहीं पाएगा, आप जानते ही हो ये खुद नहीं निकालने को, मशीन खड़ी हुई है अपनी एक और, ना 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 ना, ई खड़ा हुआ, आपने बिल्कुल जहाँ से हमने 255 को उठाया था वहीं पे ई खड़ा हुआ है, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसे भी बुलाया जा सकता है, वो तो इनसे भी बड़ा है, अगर फंसे तो इन्हें निकाल ही लेगा, वो बहुत ताकतवर है वो भी। चलिए जी खुशी खुशी यार ये इलाका क्रॉस हो गया, ये थोड़ा डाउटफुल था मेरे दिमाग में कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन ये भी हमने क्रॉस कर ही लिया। पीछे वाला पूरा भरा हुआ है, इसमें थोड़ी सी कितना बचा है इसमें, अरे करीबन 200 है, अरे बहुत है, और एंटर कर चुके हैं उस इलाके में जहाँ ऑब्जेक्टिव है, बस आगे एक दिक्कत आएगी गाइस, वो मैं आपको बताता हूँ कहाँ आएगी, वहाँ थोड़ा सा पेशेंस के साथ खेलेंगे, क्या डिसीजन लेना चाहिए वहीं पहुँच के ही देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं, कायदे से चला तो क्यों गड़बड़ोंगे क्यों, वो तो गड़बड़ तो आप जानते ही हो कब होती है, जब हम सर्कस करने की कोशिश करते हैं लेकिन एक बात और है, सर्कस तो हम लगातार कर ही रहे हैं 12 पॉइंट्स कौन लाता है यार, 8 लाके जब छुट्टी करते हैं हम लाए 12, लेकिन मज़ा आ गया सीरियसली, डबल टीका आप देखो ये फ़ायदा होता है, कितनी ताकत है हमारे पास, मस्त तरीके से एकदम 12 ले आए हम पॉइंट्स 255 के साथ ही, इमेजिन करना ना थोड़ा सा मुश्किल था। ये आगे देखिए मोड़ आ रहा है तीखा, लेकिन देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, जितना जाता हूँ मैं उतना चलता जाता हूँ, जितना ही चढ़ेगा, मैं काम करता हूँ अब मैं यहाँ थोड़ी सी ना, अरे पीछे आगे बड़ा कर दी टक्कर मारी उसने यार, हिल गया आगे का ट्रक, मैं क्या करता हूँ विंच थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ, ठीक है मेरे ख्याल से छोटी हो गई, चिपक गए दोनों ट्रक, कितनी बड़ी विंच है मैं दिखाओ मुझे, ठीक है छोटी है ठीक, मैं यही चाहता था क्योंकि यहाँ मोड़ आएगा ना तो मुझे मोड़ना है पूरे परफेक्शन के साथ, पीछे वाले का भी मुझे ख्याल रखना है कि कहीं वो गलत जगह से चढ़ चढ़ा के ना आए, यहाँ जगह कम है यहाँ दिक्कत हो जाएगी। चलो चलो चलो, मोड़ भी दिया, मुझे उस पर बस एक नज़र ये रखनी है कि मैं उसे टेढ़ा ना कर दूं। सही जगह से आ रहा है वो, सही जगह से आ ही रहा है, दिक्कत है नहीं,
मुझे टेढ़ा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है सही जगह से आ रहा है, ठीक है। नहीं मैं क्या करता हूँ, जो बात थी ना मैं ये ऐठा ऐठी नहीं करता, मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, यहाँ कर रहे मुड़ा रहे हैं वरना मुझसे गलती कोई हो जाएगी। चलिए अब क्या डिसाइड हुआ है अपना, मैं किधर से निकलूँ, ये रास्ता देखिए एक गाइज ये जा रहा रास्ता, ये भी लेकिन बड़ा तीखा मोड़ है, और एक इन दोनों ये पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, मैं यहीं से कुदा दूँ ट्रक नीचे, बिल्कुल खड़ा खड़ा गिरेगा। लेकिन इस पे से मैंने पिछली बार किया था तो मेरी लकड़ियाँ अलग हो गई, मैं आपको ये बता दूँ, ट्रक पे तो कोई असर नहीं हुआ था, लेकिन शांति वाला तरीका वो है कि मैं वहाँ से प्यार से मुड़ के लाऊँ या फिर यहाँ से खड़ा खड़ा निकालूँ। मैं काम करता हूँ, मैं मुड़ के ही लाता हूँ, जब इतना हो गया ना तो सर्कस नहीं करते, सर्कस करें या ना करें, मैं अभी भी बहुत कन्फ्यूज़ हूँ। मोड़ सकता हूँ, मैं मोड़ लूँगा यार, मैं मोड़ लूँगा, मोड़ लूँगा, उधर से ही ला रहा हूँ, मोड़ लूँगा, जगह बना के आऊँगा, क्यों नहीं मोड़ पाऊँगा, ये इसलिए नहीं मोड़ पाऊँगा। अब यहाँ पे देखना है मेरे को कहाँ से हम आते हैं, ब्रेक लगा ले भाई, यहीं तो चाहिए हमें कर्रा मोड़। डिफ्लॉक मैंने ऑफ कर दिए जिससे कि मैं टाइट मोड़ ले सकूं। पत्थर है आगे, ठीक है मैं बैक करके लिए ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप एक चीज़ देखो, ये पंगा करेगा मुड़ने में, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पत्थर से मैं बचूंगा नहीं बचूंगा, ये था पंगा, मैं इसलिए ये मोड़ खतरनाक लग रहा था मुझे। अभी देख रहे हो आप, मुझे बहुत दिक्कत हो रही मुड़ने में, डिफ्लॉक भी ऑन ऑफ है, पत्थर से तो देखिए गाइस हम बच गए, लेकिन मुझे फिर एक बार बैक करना पड़ेगा। लेकिन मेरे पास आप देखो बैक होने का भी ऑप्शन है नहीं, आप देख रहे हो मैं इससे ज़्यादा बैक हो नहीं सकता, और आगे ये पेड़ हैं, फिर मैं फंस जाऊँगा। मैं निकला कि नहीं निकला, मैं शायद नहीं निकला, आप देख रहे हो कितनी दिक्कत हो रही है। मोड़ दो मुझे, मुड़ गए, ठीक। वास्तव में मुझे ये यही लग रहा था मुझे कि मुड़ने में बहुत दिक्कत होगी अगर सोच के नहीं आया। लेकिन आप एक खुशी की बात ये देखो, ट्रेलर एकदम सही जगह से आया है, अगर मैं कहीं और से लेके आता ना तो ये पलटने की दिक्कत रहती, वो बिल्कुल रोड से ही आ रहा है। चलो मोड़ दिया भाई, लेकिन अब एक कर्रा मोड़ है, इसको कैसे मोड़ूं, पेड़ है कोई, अचानक मोड़ना है मुझे, कोई पेड़ मेरी मदद करेगा, एक दिखाई दे रहा है मुझे। वो वाला बेंच मिल जाएगी मुझे, ठीक है अब मैं मुड़ सकता हूँ प्यार से, ठीक है ज़रा मोड़ दें आप। यार गाइस फिर एक बात बताओ, मैं फिर ये क्या, ये वो वाला भी मैं इसी रोड से लेके आऊँ, इतनी परेशानी के साथ ये मुझे प्यार से इसने मोड़ दिया। पेड़ के हिलने की आवाज़ आ रही है, बुरी तरह से उसे भी खींच लिया ना मैंने। देखिए ये तो मुड़ के आ गया, पावर ब्रेक ऑफ। मैं बताऊं, देखो इसे तो मैंने ले लिया जैसे तैसे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ले लिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, उस वाले को मैं इतनी इज्जत नहीं दूंगा। रुक जा भाई रुक जा, कहाँ पलट रहा है ये, आप देख रहे हो बैक हो रहा है ना, ये ऐसे ही पलट जाते हैं ट्रक, गलत जगह बैक हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगी। चलो इसको मैं यहीं से इन दोनों पेड़ों के बीच में से कुदा दूंगा, इतना टाइम नहीं लगा रहे, वो एक्चुअली मैं बहुत तीखा मोड़ है, अगर मैं आराम से मुड़ जाता मैं और इससे ज़्यादा क्या मुड़ता है, डिफ्लॉक ऑफ करके मोड़ रहा हूँ। लेकिन मैं ज़रा कंसंट्रेट कर लूँ कि इसको कैसे निकाला जाए, आप ये देख रहे हो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्यों ख़तरनाक है, आगे का बिल्कुल देखना, पूरा ट्रक जो है झूल जाएगा हवा में। और अब अपने पास अब बैक होने का भी कोई ऑप्शन नहीं, आप देख रहे हो ये दिक्कत है, बहुत डर है, बहुत डरा भी जगह है, धीमे धीमे ही निकालते हैं अपन लोग। हाँ
निकल आए यार, निकल आए। अरे बहुत प्यार से निकल आए, आप भी खाओगे, इससे अच्छा तो उसी से ले आते। लेकिन आपने गौर नहीं किया, अगर मैंने ब्रेक लगाए थे ना, वो लकड़ियाँ पीछे से उछल गई क्योंकि नीचे ज़मीन लग गई थी ना। बहुत प्यार से निकल आया, बढ़िया बढ़िया, मज़े आ गए। इस ट्रक की देखो आप, टंकी पूरी फुल चल रही है, पूरी फुल चल रही है। चलो जी, चलो जी, आप अपना ऑन करो, विंच लगाऊं मैं फटाफट और चलते हैं। मेरे ख्याल से हम आ ही गए अब ऑब्जेक्टिव तक। ठीक है, चलो, अभी भी 130 लीटर करीबन बचे हुए हैं आगे वाले ट्रक में भी, काफ़ी है, पहुंच गए यार बस। मेरे ख्याल से उसको पीछे वाले को भी तेल की ज़रूरत पड़ती नहीं। चलिए गाइज, अपना भी एक बहुत लंबा सपना पूरा हुआ। लीजिए, ऑब्जेक्टिव आ गया, 12 पॉइंट एक साथ लाने का। लेकिन ये सपना अभी डी से ही पूरा हो पाया है, और मुझे किसी और से उम्मीद भी नहीं थी कोई और कर पाएगा। दो डी थे अपने पास, इसलिए कर भी लिया। वैसे पेशेंस के साथ भी अपन लोग बहुत आए। सबसे अच्छी रोड हमने चूज़ करी, जहाँ दिक्कतें थीं वहाँ पे भी हमने सब्र बरता। ये पहुँचे हम ऑब्जेक्टिव, दोनों ट्रक आ गए, खुशियाँ आ जाएंगी लंबर यार्ड में भी। वाह वाह, एक साथ दो दो ट्रक, ये हुआ 6 पॉइंट लोड। अब उसको भी लाइन में लगाऊं मैं। इसके भी 6 पॉइंट्स लोड। गाइस मजा आया नहीं आया, सही बताइए? पहली बार मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि दो डी से मजा आ गया, मुझे तो करके आ गया। 12 पॉइंट्स लोड किए हैं। चलिए गाइस, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। मिशन ओवर किया है पहली बार, 12 पॉइंट्स एक साथ पहुंचाए हैं, और बहुत अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, अगले मैप में, स्पिंटायर्स। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।